कसरावत तहसील के ग्राम शालीवाहन में मां नर्मदा की सबसे बड़ी 3200 किलोमीटर की परिक्रमा पर निकले परम पूज्य दादा गुरु के आगमन पर खरगोन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बंटी तवर द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। साल श्रीफल पुष्पमाला पहनाकर आशीर्वाद लिया। हम आपको बता दें कि दादा गुरु कार्तिक पूर्णिमा के ओंकारेश्वर से माँ नर्मदा की परिक्रमा पर निकले हैं। दादा गुरु नर्मदा परिक्रमा में उनके साथ कई महिला एवं पुरुष साथ चल रहे थे। दादा गुरु ने अपने हाथों में शाली वाहन में पधारे श्रद्धालुओं को भंडारे में भोजन परोसा और शाम को दादा गुरु के द्वारा माँ नर्मदा की महाआरती की गई। दादा गुरु नर्मदा परिक्रमा में केवल माँ नर्मदा का जल ग्रहण करते हैं। यात्रा में आगमन पर कसरावत क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर दादा गुरु का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। यात्रा हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है? ये माँ नर्मदा का परिक्रमा है, ये परिक्रमा हमारी साधना है, ये परिक्रमा हमारी उपासना है, ये व्रत है। ये जीवन को सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए ये नर्मदा सेवा परिक्रमा है। नर्मदा के जल की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और नर्मदा के जल संरक्षण और संवर्धन के लिए ये परिक्रमा पूर्णतः समर्पित है। कितने दिनों की यात्रा? ये यात्रा कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ हुई है, ये लेकिन अनिश्चित है। ये यात्रा अखंड चलती रहेगी जब तक माँ नर्मदा के जल की पवित्रता और स्वच्छता को गांव घर परिवार जन भागीदारी से हम मिलकर बना नहीं लेते। जब तक हम अपने जीवन जो नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा व्यवस्था है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है। जिस माँ ने हमें जीवन दिया है, जो माँ हमें जीना सिखाया और जिस माँ से हमारे गांव नगर आत्मनिर्भर है, ये परिक्रमा उसी माँ के लिए समर्पित है। लोगों के लिए संदेश? हम सिर्फ गांव-गांव और घर परिवार को सिर्फ एक ही संदेश दे रहे हैं। लगातार धीरे धीरे नर्मदा का जल जो दूषित हो रहा है, कहीं ना कहीं परंपरा और मान्यताओं में विसंगति आने के कारण कहीं प्लास्टिक का, पॉलिथिन, साबुन, शैम्पू का ये प्रयोग करना, अपशिष्ट पदार्थों का भी जो है धीरे धीरे वो नर्मदा का 70% जो जल में घातक जो जहर मिल रहा है वो नर्मदा के किनारे कृषि और खेती के कारण मिल रहा है। हम गांव को संकल्पित करते जा रहे हैं, किसान परिवार को, कि बिना रसायन के खेती नर्मदा के शुद्धिकरण में सबसे बड़ा आधार होगा और बिना रसायन जो कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी में, अन्न में और नर्मदा के जल में घातक जहर घोलने का काम हो रहा है। तो रसायन मुक्त नर्मदा के जलों को किया जाए और जैविक खेती को बढ़ावा देना, गौ आधारित खेती को बढ़ावा देना, ये परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है। और जो नर्मदा का जो प्रण क्षेत्र है वो पेड़ और पहाड़ की शोभा से है, वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता पेड़ पौधों से है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान परिक्रमा वासियों को, गांव नगर को अधिक से अधिक वो जो गुरु गोविंद का स्वरूप है, जो हमारी संस्कृति भी कहती है, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं देवता के रूप में, तो देव वृक्ष मूर्तियों की ऐसी ही आराधना पूरे संपूर्ण नर्मदा के पद पर चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।